2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी जोड़ तोड़ की कवायद भी शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर का इंदौर बीजेपी से नजदीकियां लगातार नजर आ रही हैं और इसी पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, रिपोर्ट आपकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जोड़ तोड़ देखने को मिल रहे हैं। बात करें ओम प्रकाश राजभर की तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात और तेज हो रही है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के बेटे के रिसेप्शन और शादी में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे दिखे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उनका असर रास नहीं आया, लिहाजा उनके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ आना एक फायदेमंद सौदा होगा। लिहाजा देखना होगा कि ये सुगुगाड़ें अब हकीकत में तब्दील होती हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले हैं ओम प्रकाश राजभर, विपक्ष के पास आईना दिखाने को कुछ भी नहीं है। विपक्ष मुख्यमंत्री से मुद्दे पर मुलाकात क्यों नहीं करता? अखिलेश जनहित के मुद्दे पर क्यों नहीं मिलते? ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोला है और कहा कि विपक्ष के पास आईना दिखाने कुछ भी नहीं है, मुद्दे ही नहीं है। सुनिए। आप सहयोग की बात की, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था, माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, एक संजोग कहिए चाहे जो कहिए, जब मैं बीजेपी से गठबंधन किया तो बीजेपी में गए, वो भी मंत्री बने, हम भी गठबंधन में मंत्री बने, फिर भी दोनों का संबंध, फिर हम छोड़ दिए, हमें मिलने रहे, बराबर मिलते रहे। आज भी सरकार बनी उनकी, वो डिप्टी सीएम बने, हमें मिलने हैं तो हम बराबर मिलते रहते हैं, हम संबंध निभाते हैं। जब बड़े नेता, जब मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, मोदी जी एक जगह चाय पी सकते हैं, तो ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, दयाशंकर सिंह एक साथ क्यों नहीं चाय पी सकते हैं? ये बताया जा रहा है कि आप अरुणाचल की काफी सीटों पर प्रभावी हैं, तो ये अखिलेश के नजदीक रहेंगे या क्या? हमारी तो पहली प्राथमिकता का अखिलेश जी, मायावती जी से बात कर लें। अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे जयंत जी को लेकर जिस दिन आने का ऐलान करें, हमको 2 घंटा पहले बता दें कि आपको भी इसमें आना है, 2 घंटे बाद समय दें, वो हम समय से पहले पहुंच करके उस मंच पे पहले दिखाई देंगे।